मिलके भी कराया था, जब अकेले सिखाया था तभी जो विजुलाइज किया था आधा अधूरा। फिर उसके बाद आपने मुझे मेरा खुद एस्ट्रल ट्रैवल करवाया मुझे, और आपने खुद भी मेरा किया, तो उसमें आपने ऐसी हिडन बातें मुझे बताई जो मुझे लगती तो थी लेकिन मेरा विजन क्लियर नहीं था। और मेरे हस्बैंड के बारे में आपने एक ऐसी अमेजिंग और इतनी सीक्रेटिव बात रिवील की कि मैं शॉक्ड हूँ। आज तक मैं शॉक्ड हूँ कि आपने वो बात कैसे बताई किसी की, इतनी हिडन, इतनी सीक्रेट बात, और वो आज भी है, वो पिछले जन्म में भी थी और वो चीज उनके साथ आज भी है, और जिस पर्सन ने उनके ऊपर अटेम्प्ट किया था उनको मारने का, वो आज भी उनके सराउंडिंग में है और वो सिमिलर सिमिलर पैटर्न आज भी है। तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग है, शॉकिंग, अमेजिंग और नो वर्ड्स। इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस मैंने, आरती मैम, इससे पहले भी बहुत लोगों से एस्ट्रल ट्रेवल लिया है, पेड एनालिसिस लिए हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपसे मुझे मिला वो किसी से नहीं मिला, ऑनेस्टली किसी से नहीं मिला। थैंक यू। ओके बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है मेरा यहाँ। प्रैक्टिस ओके, आपने प्रैक्टिस किया? नो मैम, एक दो दिन किया, कनेक्ट नहीं हुआ। आपको तो बोला था कि कनेक्ट नहीं हो रहा है, कि आई डोंट नो यू, तो ओके, मतलब आपने बोला जब आप नेक्स्ट। क्लास में थे सिर्फ तभी आपका कनेक्ट हो पाया था। हाँ, फर्स्ट डे जो आपने साथ लेके गए थे उस दिन ही कनेक्ट हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। ओके, प्रैक्टिस उसके लिए करनी पड़ेगी। और जो मैंने आपको साथ में ऐसी चीजें बोली थी कि जिनका एक किट तैयार करनी होती है, अपनी किट तैयार करके जब आप उसकी हेल्प लेके करते हैं तो उससे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। बिकॉज नीतू सर के साथ, मैम के साथ भी यही इशू था कि उनके पास भी किट नहीं थी तो उनको प्रॉब्लम था, तो उन्होंने फिर सिंगल सिंगल चीजें करके पहले किट पूरी अरेंज की है, उसके बाद उनको इशू नहीं हुआ। आई थिंक ये दोबारा उनको एस्ट्रल ट्रैवल करने में दिक्कत नहीं है जब से उन्होंने अपनी किट अरेंज कर ली, तो पूरी किट के बाद वो अपना जा पाती है इजिली और अब अपना वो चेक कर पा रही है। ठीक है, थैंक यू मैम। तो आप भी वो किट परचेज कीजिएगा, या जो अभी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा आप उसमें ज्वाइन करना, तो उस सेशन में आप वापस जब प्रैक्टिस करोगे विद किट तो आपको इजी होगा कनेक्ट होने में। ठीक है, उसके अलावा कोई और फीडबैक आप देना चाहते हो, आपने जो भी चीजें की हैं या कुछ और आप बताना चाहते हो? मैम, एक बात बताना था, नहीं आई डोंट नो ये बताना है या भी नहीं। आपका वॉइस का जैसे मेडिटेशन किसी और ग्रुप पे मिला है मुझे, आई डोंट नो मेरा ये कैसे मेडिटेशन हुआ। ग्रुप, मतलब मेरा मेडिटेशन म्यूजिक। आपका ही वॉइस है, आपका ही ओके, वॉइस है, तो मैं कंफ्यूज हो गई, आपका म्यूजिक किसी और, आई डोंट मैंने अपना कोई म्यूजिक सेल नहीं किया है। आकाशिक का मेरा अपना म्यूजिक भी एक बना हुआ था, बट मैंने किसी को सेल नहीं किया या मैंने किसी को दिया नहीं है। अगर किसी ने मेरे को नहीं। कर रहा है कोई, तो मैं उस पर रिमूव रिपोर्ट कर सकती हूँ कि रिपोर्ट कर देती हूँ, लेकिन कोई मेरा यूज नहीं। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, कई हीलर्स ना इस तरह की है, उनकी हैबिट होती है कि वो दूसरे हीलर्स का म्यूजिक या उनकी सॉन्ग यूज करते हैं। लेकिन उससे पता है नुकसान क्या होता है, क्योंकि जब उन लोगों ने भी मुझसे कोर्स किया है उनको सबको मैंने बताया कि मैं पहले ही ना, सब लोग को म्यूट कर लीजिए प्लीज, मैं पहले आप लोगों को एक ट्यूनमेंट देती हूँ ताकि आप कर सकें इजिली और अट्यूनमेंट के बाद। तो जब आप अट्यूनमेंट लेते हैं तो जो वॉइस मेरी जा रही है आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं, और जब आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं तभी मैं आपको अपनी हीलिंग दे पाऊंगी, तभी मैं आपको वो एनर्जी दे पाऊंगी। पर अगर कोई इस तरीके से बिना परमिशन के अगर मेरा म्यूजिक यूज कर भी रहा है तो उससे उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बिकॉज स्टूडेंट्स मुझसे ही कनेक्ट करेंगे। वो मेरी साउंड अगर सुन रहे हैं और मुझे अगर जानते हैं वो स्टूडेंट, तो वो मुझसे